आदमपुर का चुनावी रण सामने आ चुका है और इसी रण में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा है। 2014 में आदमपुर के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ने वाले करण सिंह रानोलिया ने अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। पूर्व प्रदेश सचिव भी रहे हैं करण सिंह रानोलिया और वर्तमान में अध्यक्ष वो रहे हैं। स्वच्छता अभियान के प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे, लेकिन अब बीजेपी को अलविदा कहकर कांग्रेस पार्टी के साथ। करण सिंह रानोलिया जी, क्या वजह रही? सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, बीजेपी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह? ऐसा है, जब मैंने ज्वाइन की थी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उस टाइम भी हम सत्ता से बहुत दूर थे। हम तो मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं। जब मान सम्मान नहीं होता, आज किसी कार्यकर्ता की सुनी नहीं जाती, हर कार्यकर्ता जिस पार्टी से दुखी है तो वहाँ रहना मैं उचित नहीं समझता। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन दिया है और यहाँ पर मेरे को जो आश्वासन मिला है कि यहाँ आपको मान सम्मान पूरा मिलेगा, और जिस माहौल में मेरी बैठक हुई, मतलब एक पारिवारिक माहौल में मैं कहता हूँ कि बैठक हुई, तो इसलिए मैंने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूँ। मामला क्या सिर्फ सम्मान का है या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का भी कोई इसमें पेच नज़र आ रहा है? नीतियाँ तो बहुत सारी ऐसी इस जो ट्रम में है, चाहे वो शिक्षा की नीति है, चाहे वो रोजगार की नीति है, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण देने की नीति है, और चाहे वो शिक्षा कॉलेजों में जो हायर एजुकेशन है उसमें जिस प्रकार से 27% आरक्षण मिलना चाहिए, वो जो ठीक कम्बिनेशन के सब्जेक्ट हैं वहाँ कोई आरक्षण नहीं है किसी प्रकार का। तो नीतियाँ भी गलत हैं, उनकी वजह से मैंने पार्टी को छोड़ा। अब आदमपुर का चुनावी रण सामने आ चुका है, तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के साथ किस तरह की संभावनाएं आप देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी कहाँ तक अपना परफॉर्मेंस आदमपुर में दे पाएगी? देखिए महेश जी, आदमपुर विधानसभा जो हरियाणा में 1968 से जब चुनाव पहली बार हुए थे तब से लेकर के आज तक चौधरी भजनलाल परिवार का वहाँ विधायक जीतता रहा है, चाहे उनकी मिसिज श्रीमती जस्मा देवी हो, चाहे पुत्र वधु हो, चाहे पुत्र हो, आज तक वो वहाँ से जीतते रहे हैं। लेकिन आदमपुर की जनता अब ये जान चुकी है कि अपनी भलाई के लिए जनता के बीच में नहीं आते, सिर्फ चुनाव में 3 महीने पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, और 3 महीने में लोगों के पैर पकड़ के हाथ जोड़ करके कि आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, हल्के का विकास करूंगा। लेकिन अब आदमपुर की जनता पूरी तरह से जागरूक हो गई है और इस परिवार से छुटकारा चाहती है, और इस बार यहाँ से कांग्रेस पार्टी का जो भी उम्मीदवार आएगा वो जीतेगा। चलिए, कमल का फूल छोड़कर अब हाथ के साथ हैं करण सिंह रानोलिया और आदमपुर के चुनावी रण में अपनी जबरदस्त भूमिका अदा करने का वायदा भी कांग्रेस पार्टी से कर चुके हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।